जो मैं तू पूछ रही थी तुम्हारी लड़ाई हुई है मोनिका से, तो मोनिका हमारी लड़ाई हुई है मैंने देखा आप सब मेरे बारे में पूछ रहे हो, तो मैं आ ही जाती हूँ आपके कहने पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। क्या हाल चाल आप सबके, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, और वीडियो इसलिए आ रही है बिकॉज ना आप लोग भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे। सो आपको मैं एक दो कमेंट्स दिखाता हूँ साइड पे, ये चेक करो। मतलब सबका एक सवाल है कि मोनिका कहाँ है, मोनिका कहाँ है, मोनिका कहाँ है। सो भाई फाइनली मैंने डिसाइड किया कि भाई आज आपको ले चलते मैं मोनिका के पास, और भाई वही आपको बताएगी कि भाई व्लॉग में क्यों नहीं आ पा रही, क्या रीज़न है। सो भाई वेरी बिजी गर्ल शी इज़। सो अभी भाई उनको कॉल किया, मैंने कहा फ्री हो, तो कहते हैं हाँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने। सो अभी चलते हैं भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए, काफ़ी टाइम बाद आई थिंक सो एक डेढ़ महीना हो गया, उसके बाद एक डेढ़ महीने के बाद हम भाई मोनिका को मिल रहे हैं, वो भी आप लोगों के कहने पे, क्योंकि आप लोगों के स्क्रीन शॉट मैंने उसे भेजे, तो वो भाई मानी कह रही है हाँ चल ठीक है टाइम निकाल लूँगी। सो अभी चलते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मोनिका के पास, और जो आप लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में वो उन्हीं से जाके आंसर लेते हैं, लेट्स गो। सो फाइनली गाइज, आप सबके कहने पे लोग हम जा रहे हैं गाइज आज मोनिका से मिलने के लिए। और भाई सही में मतलब आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं ना जो, सो भाई उसी कमेंट्स को मैंने स्क्रीनशॉट लिया और उसको भेज दिया, और उसके बाद भाई वो कहीं पे मानी कहती चल ठीक है तू आ जा, आप सबके लिए भाई मैं मिल लेती हूँ। भाई देख रहा हूँ मतलब मेरे लिए उसने टाइम नहीं निकाला, बट आप सब लोगों के लिए उसने टाइम निकाला, कहती हाँ ठीक है उन सबके लिए आ रही हूँ चल ठीक है। तो भाई मतलब काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को व्लॉग डाले हुए भी चैनल पे, सो पिछला व्लॉग आई थिंक सो भाई बहुत टाइम हो गया हुए। सो मैंने कहा कि चलो भाई आप सबके लिए एक व्लॉग भी बन जाएगा, और इसी के साथ साथ गाइज मैं ना इससे मिल भी लूँगा। भाई मेरे कहने पे तो आती नहीं है, भाई मेरे कहने पे कहती है अभी नहीं, बिजी हूँ काम पे हूँ। भाई वो है ना क्या कहते हैं हमारी तरह बेली थोड़ी ना गाइज, वो काम काजी गर्ल है भाई, वो काम करती है भाई, शी अर्न फॉर हर सेल्फ ना, दैट्स व्हाई भाई हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तू आ ही आ ही आ। तो मैं सोचता था भाई जब उसके पास टाइम होगा तो वो खुद ही आ जाएगी, बट भाई ना आप लोगों ने इतने कमेंट किए कि भाई इन दी एंड मैंने कहा कि भाई छोड़ो उसको, कॉल करो उसको, बोलो भाई आ तू। ठीक है हमने यहाँ से जाना था लेफ्ट, सो अभी यहीं पर कहीं पर मिलेगी, सो कह रहे थे यहाँ पर अंदर आ जाना, सो मैं आपको मिल ही जाऊँगी साइड पेट्रोल पम्प आ गए, तो कह रहे थे वहाँ पर खड़ी होंगी कहीं पर। फाइनली गाइज शी हेलो फाइनली। हाँ जी मेरे ठीक है आप, मेरे कहने पे नहीं आएगा, आपके कहने पे आइए मिलने, देख लो मैंने देखा आप सब मेरे बारे में पूछ रहे हो, तो मैं आ ही जाती हूँ आपके कहने पे। हाँ अब क्या बुलाना है, कहाँ चलना है, ये कौन से, अब इनको पहले बता दो आ क्यों नहीं रही थी। मैं ऑफिस से आ रही हूँ। हाँ गाइस काम का जी लड़कियाँ को बोल रहा हूँ, हमारी तरह वेली नहीं है, काम करते इसलिए नहीं आ पा रही, टाइम ही नहीं है। हाँ गाइस की शिफ्ट नहीं आई, मतलब डबल जॉब करती है भाई ये, मतलब इतना पैसा गाइस कुछ बड़ा करेगी गाइस अपनी ज़िंदगी में, कुछ बड़ा करेगी। सो अभी क्या सीन, आप ठीक है सर, अब तुम अगली बार कब मिल रहे हो पहले ये बताओ। अगली बार एक तो मेरी संडे को ऑफिस में छुट्टी होती है, ट्यूसडे को शाम को मेरी दूसरी जॉब की छुट्टी है। ठीक है गाइस हम इसमें कोऑर्डिनेट करेंगे कुछ, संडे ट्यूसडे। हाँ अब चलें फिर, चलो बाइक में एक बार भी राइड नहीं लाती तेरे ऊपर, नहीं लाती, चलो फिर चलो चल चे यार इतनी बड़ी है ये तो मेरी पैंट भी टाइट है, रुक रुक बैठ यहाँ पे, पैर रखना पहले यहाँ पैर रख, रुक पहले यहाँ पैर रख, हाँ चढ़ जंप करके चढ़ना, और तू चढ़ना मैं बैठूँ, मैं संभाल लूँगा तू चढ़, पैंट ना फट जाए। लेट अस गो, कहाँ चलना है, कहाँ चलना, चल फिर कहाँ सिद्धरा वाले जाना है, कहाँ जाना है। 2000 years later. So finally guys, अभी हम पहुंच चुके हैं बाबू प्लाजा, सो अभी चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, देन उसके बाद आपको मिलते हैं, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो गाइस, स्टूडेंट लग रही है। सो फाइनली गाइस हमारा पास्ता आ चुका है, सो यू एंजॉय। अगली बार कब मिल रहे हैं, संडे को हम निकल नहीं सकते, तो बिजी पर्सन हम बहुत ज्यादा, सो अभी हम बाय हुए हैं गाइस द ब्लैक रोज, बट यहाँ पे व्हाइट पे लिखा हुआ पर भाई नाम ब्लैक रोज है। सो नेक्स्ट प्लान करते हैं गाइस संडे को, तो संडे को आप कोशिश करेंगे, आज क्या है
ट्यूसडे आल्सो, सो वही संडे को देखते हैं, संडे को जो भी सीन्स वगैरह होंगे। सो अगर हम दोनों फ्री हुए टाइमिंग मैच की तो भाई संडे को मिलेंगे, कहीं चलेंगे, राइड वगैरह करके आएंगे। सो भाई पहले खा लेते हैं। सो कैसा टेस्ट है? चलो सही है। सो गाइस बाहर आए, अंधेरा हो गया और हमें पीनी थी कॉफ़ी। सो हमने भाई ले लिया कॉफ़ी, सो हम कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, देन सुबह इसको घर ड्रॉप करेंगे और हम चले जाएंगे भाई यहाँ से अपने घर। सो भाई इंजॉय करते हैं कॉफ़ी। और भाई जिनको डाउट था कि तेरी मतलब जो मेरे को पूछे कि तुम्हारी लड़ाई हुई है मोनिका से, तो मोनिका हमारी लड़ाई हुई है? पक्की बात है ना? पक्की बात है? नो लड़ाई। अभी ना मुझे सुबह सुबह कॉल आई थी वाइट वुल्फ की कि भाई हम मैंने ना एक न्यू जी नेशनल टू परचेस कर लिया, तो उनकी सेलिब्रेशन करनी है। सो अभी हम जा रहे हैं उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए सिद्रा, और भी सारे सीन्स वगैरह क्लियर करते हैं और चलते हैं फटाफट पहले सेलिब्रेशन करते हैं। उस पर KTM जम्मू सारी इंक्वायरीज वगैरह जो क्लियर करते हैं और देखते हैं भाई आगे का प्लान क्या रहेगा। बट आप लोगों को जो प्लान है वो सारे पता चलते रहेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। सो सामने इंस्टाग्राम का नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे अमेजिंग रील्स और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो अभी चलते हैं फटाफट सिद्रा, मिलते हैं आपको सीधा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। चेक दिस आउट, हमारी बाइक पे क्या लग चुका है, हमारी बाइक पे लग चुका है गाइस Insta360। चेक दिस आउट भाई, अब तो एक क्लास भाई रिएक्शन आने वाले। सभी चलते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गो यार। Duke 250 का सीन पता है क्या है मेनली, कि अब ना मैं अपने घर वालों को भी फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे को वो बाइक लेके दो, बिकॉज उन्होंने पहले ही मेरे इस बाइक में बहुत ज़्यादा हेल्प किया ना। सो अब मैं उनको ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को Duke 250 लेके दो, बिकॉज वो भी कुछ समवेयर अराउंड 3 लाख रुपए की बाइक, मतलब 3 लाख रुपीज़ की बाइक है वो। सो अभी मैं उनको 2 महीने बाद ये तो नहीं बोल सकता ना कि मतलब मेरे पे अब 3 लाख रुपए और खर्चो। सो वही दिक्कत है चल रही है थोड़ी। सो अपने नाम पे कोई लोन वगैरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मेरे नाम पे कोई लोन वगैरह मेरे को मिल गया, बिकॉज भाई हमारे देखो कोई परमानेंट सैलरी भी नहीं आती हर मंथ या कुछ ना, सो इसलिए थोड़ा सा लोन वगैरह में दिक्कत होती है। सो मैं अपने नाम पे लोन अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, अगर मेरे नाम पे मुझे लोन मिल गया तो भाई हम Duke 250 जो है वो परचेस कर लेंगे, 250 या फिर 390, मतलब न्यू वाली ड्यूक जनरेशन जो भी है ना, थर्ड जनरेशन जो भी है ना, उनमें से दोनों में से कोई भी हम एक बाइक जो है परचेस कर लेंगे। सक्षम फोन जो है, क्या हाल है ब्रो आपके? ठीक हो? बढ़िया। अभी चलते हैं फटाफट उसके पास, ठीक है? वो वेट कर रहा है हमारा। चलो भाई, इस प्लान में हल्का सा चेंज है, शिकार का नहीं भाई, किसी और साइड ही उसने बुलाया। सो भाई उसने नेविगेशन भेजी थी, तो सक्षम ने भाई नेविगेशन लगाई हुई है। भाई जो लोकेशन है ना गाइस, वो ये है हंटर्स रेंज भाई, यहाँ पे चलना है अभी। सो लेट्स गो गाइस। भाई हम पता नहीं कौन से, कैसे पता चली वाली लाइव लोकेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। वहाँ से आ रहा था ना, जैसे लग रहा था जंगल में आग लगी होती है, पटाखे फटते हैं। तो चलो अभी फिलहाल करते हैं, अभी फिलहाल ये हाथ में दिए इसने पार्टी पेपर्स, तो फोड़ते हैं इसको। चल जब नहीं चलेगा इसके हाथ में आ गया तो चुप कर भाई, अगर जल गया फिर जलता नहीं है, चलता है साले, जलता नहीं है ये, जलता नहीं है ये, अगर जलता नहीं है बेकर्स में खिलाएगा जो भी बोलूंगा, ठीक है? हो गया सक्षम, सक्षम हो गया। चल मेरी पार्टी तो बन गई, मेरी पार्टी बन गई बेकर्स वाली, भाग यहाँ से। दोनों साइड G900 गाइस चेक कर रहे हो भाई, अरे आगे चल रही है अभी दो G900 भाई साहब, ये तो अभी ब्रांड न्यू, मतलब काली भाई ने भी लिया, तो वो तुम्हारी सक्षम की भाई। भाई हमारे पास भी आनी चाहिए भाई G900 भाई। अभी हम भाई निकल रहे हैं यहाँ से, 360 ऑन कर देते हैं, क्या पता कोई अच्छे अच्छे शॉट्स आते हैं। सो दो G900, एक R15, लेट्स गो गाइस। कौन सी रेसे लगा रहा हूँ भाई इनके साथ, मजेदार यार। ओए भाई ये क्या कर रहा, तेज खींची भाई इसने, ऐसा से कर रहा भाई ये। मैंने गंदा वाला मैंने देखा ना, कंट्रोल करेगा कि नहीं यार, भाई कंट्रोल कर, तू टायर लगा के ना, इतना टायर के बाद भी वो तो